दूसरा हमने पहली चीज पढ़ी थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझाऊंगा। पहले ये सामने मिरर है, अब ये देखो लाइट जा रही है, उस मिरर से टकरा रही है, तुम्हारे पास आ रही है, मल्टीपल भी हो सकता है। देखो बोलो, देख रहे हो एक लाइन ये जा रही है, देखो और अंधेरा करो, और अंधेरा करो, और अंधेरा करो, देखो पाथ विजिबल हो गई, ये गई, ये टकरा के इधर गई, इधर से पूरा पाथ विजिबल हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन है, क्या है? ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं हम, ठीक है। सिंगल में देखोगे अगर तो देखो ये जा रही है, ये टकरा के, अच्छा जितने एंगल पे जाती है उतने पे आती है, हमने सीखा था और भी सीख लेंगे। अब ये देखो ये जा रही है, जाते में दिख रही है, टकरा के वापसी में दिख रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करना हो तो ये देखो ये आ गया, और ये मल्टीपल हो रहा है, एक दो तीन, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, देखो दिख रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, एक दो। अब देखो इधर देखो एक और चीज इधर आ रही है, अब इधर भी अगर हम रख देंगे तो क्या होगा बोलो, यहाँ से भी टकरा जाएंगे, ठीक है, ठीक है भाई, सर।